बहुत पुरानी बात है, ढोलकपुर गांव में एक भिंडी रहा करती थी। उसकी शादी बैंगन से हो गई। बैंगन भिंडी से बहुत प्यार और भरोसा करता था, इसीलिए वो भिंडी से शादी के बाद भी उसे पढ़ाई की छूट दी थी। पर भिंडी की नीयत कुछ अच्छी नहीं थी। बैंगन से शादी करने के बाद भी वह प्याज के साथ घुमा करती थी, पर वो इस बात का ध्यान रखती थी कि बैंगन को इसका पता ना चले। कल हमारे रिश्तेदारों में शादी है, अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां चल रही है। वैसे तो मेरा भी बहुत मन है आने को, पर मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। आप अकेले ही चले जाना। अच्छा, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना, मैं जाकर आता हूँ। बैंगन ने अपनी पत्नी को घर पे रहने को कहा और शादी में खुद चला गया। बैंगन के चले जाते ही भिंडी अपने आशिक से मिलने घर से बाहर निकली। हम दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हें उस बैंगन से शादी करनी पड़ी। मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी बैंगन से करवा दी। जो हुआ सो हुआ, हम इसे बदल तो नहीं सकते। हमारे पास जितना समय है हम उसी में खुश रहेंगे। वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं और फिर सिनेमा देखने जाएंगे और होटल में 2 दिन रहेंगे। वैसे भी बैंगन शादी में गया है, वो नहीं आने वाला। फिर वे दोनों साथ में मंदिर दर्शन करने निकल पड़ते हैं। 2 दिन बाद बैंगन घर पे आ गया था। थोड़ी देर के बाद भिंडी घर आई। कहाँ गई थी तुम? मैंने आसपास तुम्हारी तलाश की और कितनी देर से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। कहीं नहीं, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ पे ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। वैसे शादी कैसी रही? मेरे ना आने पर कोई नाराज तो नहीं हुआ? अगली बार जरूर आऊंगी। शादी तो बहुत अच्छी रही, सभी ने कहा कि तुम आती तो अच्छा लगता, पर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तुम घर के अंदर जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हे भगवान, आज तो मैं बच गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों तक भिंडी घर से बाहर नहीं गई। भिंडी और प्याज का मिलना बंद हो गया था, उधर प्याज भिंडी को मिलने के लिए बेताब हो गया था। लेकिन वो भी क्या करता, क्योंकि भिंडी शादीशुदा थी। एक दिन बैंगन नदी किनारे पर बैठा था, तभी वहां से प्याज गुजर रहा था। प्याज के दिमाग में बैंगन को नदी में धक्का देने का आइडिया आया। उसने आजू बाजू देखा और बैंगन को नदी में धकेल दिया। नदी में डूबने की वजह से बैंगन की मौत हो गई। कुछ दिन के बाद प्याज और भिंडी ने शादी कर ली और वो खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? ऐसी ही नई कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।